अब जो सफर है वो सस्ता हो जाएगा और लोगों में खासी खुशी इस फैसले के बाद देखी गई है। बढ़ते आगे बात करेंगे बढ़ते प्रदूषण को लेकर। प्रदूषण से दिल्ली में हालात गंभीर हैं। प्रदूषण से गैस चैम्बर बन चुकी है दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना अब काफी मुश्किल हो गया है। दिल्ली एनसीआर में AQI 400 के करीब है। दिल्ली के सोनिया विहार में AQI 433 दर्ज किया गया है। अगर बात करें दिल्ली के आनंद विहार की तो यहाँ पर AQI 372 दर्ज किया गया है। ITI शाहदरा में AQI 341 दर्ज किया गया है। तो देखिए किस कदर अब जिस तरीके से बात ये हो रही थी कि अब महज कुछ राहत मिली है क्योंकि हवा की रफ्तार थी जिसके चलते पोल्यूशन से राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर से इस प्रदूषण की मार जो है वो देखी जा रही है और गैस चैम्बर में अब तब्दील होती जा रही है देश की राजधानी दिल्ली। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार कब तक इस जहरीली सांस के तले लोग सांस लेने पर मजबूर रहेंगे, इसका समाधान कब होगा, क्या ऐसी वजह हो जाती है जिसके चलते यहाँ पर AQI का जो लेवल है वो 400 को भी पार कर जाता है और जो कि काफ़ी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जाता है। तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन बावजूद इसके उनका असर कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरीके से नियमों को लागू किया जा रहा है वो पालन होते नज़र नहीं आ रहे हैं। आखिर क्या बड़ी वजह है जिसके चलते ये नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है और लगातार AQI का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, धुंध की चादर तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, धुंध की चादर किस कदर छाई हुई है और बिना ठंड के ही ये धुंध आप जो देख पा रहे हैं महज प्रदूषण है, जहरीली हवा है। और अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नोएडा से महेंद्र भाई हमारे साथ हैं, दिल्ली से आयुष हमारे साथ हैं और गाजियाबाद से अनिल हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुख करेंगे नोएडा का। महेंद्र, देखिए जिस तरीके से अभी महज एक दिन राहत मिली थी जब AQI में कुछ गिरावट दर्ज की गई, लेकिन अब एक बार फिर से AQI का स्तर जो है वो बढ़ गया है और लगातार नियम जो है वो लागू किए जा रहे हैं लेकिन पालन कहीं होता नजर नहीं आ रहा है। दिवाली आज छोटी दिवाली है और ऐसे में पॉल्यूशन एक बार फिर से बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। दिवाली से पहले ही सोचिए कि आज रात कल रात जब आतिशबाजी होगी तो उसके बाद क्या मंजर देखा जाएगा। बिल्कुल पिंकी, देखिए कल अगर शाम की बात करें तो लोग धनतेरस के उपलक्ष पे खरीदारी करने के लिए बाहर निकले थे तो उस वक्त जो पॉल्यूशन का लेवल था वो 350 के पार पहुंच गया था नोएडा की बात करें। मगर आज सुबह की बात करें, जब सुबह तड़के हम लोग ग्राउंड जीरो पे उतरे तो जो खिलखिलाती धूप थी वो सीधा चेहरे पे पड़ रही थी, यानी कि आज जो नोएडा का पॉल्यूशन लेवल है वो पिछले एक सप्ताह से काफी कम हो चुका है। यानी कि अगर आज बात करें नोएडा में तो नोएडा में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 के आसपास दर्ज किया गया है और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो वहां 210 और 220 दर्ज किया गया है। नोएडा के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पॉल्यूशन लेवल अच्छे सामान्य स्थिति में पहुंच गया, यानी कि 150-160 पहुंच गया, यानी कि अब जो पॉल्यूशन का लेवल है जो हमें टॉर्चर देखने को मिलता था दिवाली से एक दिन पहले या धनतेरस के बाद वो टॉर्चर देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण तमाम इलाकों में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का लेवल है जो ग्राफ है अचानक डाउन हुआ है, जिससे आप देखेंगे किस तरीके से, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, दिवाली है तो उसके लिए जो लोग हैं बाहर खरीदारी करने के लिए बाहर निकलते तो ऐसे में उनको राहत तो मिली है और ये राहत कब तक मिलेगी ये कहना मुश्किल होगा। मगर कुछ समय के लिए नोएडा वासियों को जो है एक तरीके से जो जहरीली हवा है वो इनहेल अप करना नहीं पड़ रहा। आज सुबह का जो मौसम है आपको दिखा, देखिए किस तरीके से खिलखिलाती धूप आपको नजर आएगी, साथ ही साथ जो धुंध की जो चादर होती है वो कल के मुकाबले अगर आज आज की बात करें तो कम है और आपको पार्कों में ये जो सुनहरी धूप है वो सीधा दिखाई दे रही है, क्योंकि जब जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो ये जो धूप है वो कहीं ना कहीं छिप जाती है। ऐसे में देखिए जो इमारत है वो भी थोड़ी बहुत क्लियर नजर आ रही है, यानी कि पॉल्यूशन का लेवल अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार उसमें जो ग्राफ है डाउन होता जा रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि जो मौसम का ये असर है, कुदरत का ये करिश्मा है, क्योंकि जो तमाम अधिकारी थे, तमाम जो तंत्र थे वो तो फेल नजर आए थे पॉल्यूशन कम करने के लिए, क्योंकि एक तरीके से जो अधिकारी काम करते थे वो ईंट के मुंह में जीरा जैसे कहावत होती थी, क्योंकि सड़कों पर अगर आप गुजरे, चाहे नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, हर जगह केवल आपको धूल मिट्टी उड़ती हुई दिखाई देगी, पेड़ों पे काफी धूल चढ़ी रहती थी। मगर ऐसे में
अगर आज सुबह की बात करें तो जो पॉल्यूशन का लेवल है कहीं ना कहीं काफी कम है, और इससे जो आम जनता है वो काफी खुश नजर आ रही है, क्योंकि उनका कहना था कि देखिए जब जब हम लोग सुबह बाहर निकलते थे तो हमारी आंखों में जलन होता था, सांस लेने में तकलीफ होती थी, खांसी की समस्या होती थी। सुबह हमने कुछ लोगों से बातचीत भी की, उन्होंने बताया किस तरीके से आज पॉल्यूशन कम है, और कहीं ना कहीं ये कुदरत का एक तरीके से पूरे दिल्ली एनसीआर के लोगों को गिफ्ट है, क्योंकि हर बार ये होता है कि कुछ ना कुछ या तो बारिश हो जाती है तब पॉल्यूशन कम होता है, या तेज हवा चलती है तब जाके पॉल्यूशन कम होता है। अगर ये कहे या कोई अधिकारी या कोई आके मंत्री कहे कि हमारे बदौलत, हमारी मेहनत की बदौलत ये पॉल्यूशन कम हुआ है, तो ये सरासर झूठ होगा, क्योंकि सिस्टम इतना लापरवाह हो चुका है, सिस्टम को सब पता है कि अगस्त के बाद से ही जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली एनसीआर में बढ़ता है, और जो पॉल्यूशन का ग्राफ है वो अचानक 200 के पार कर जाता है, उसके बावजूद भी ये कोई बंदोबस्त नहीं करते, कोई ठोस कदम नहीं उठाते। जब लगता है तमाम चैनल बताते हैं कि भाई यहाँ इतना पॉल्यूशन है, यहाँ इतना पॉल्यूशन, उसके बाद जो सरकारें हैं वो प्लान बनाती हैं केवल खाना पूर्ति के लिए। बिल्कुल ठीक है, महेंद्र आएंगे आपके पास, फिलहाल रुक कर लेते हैं दिल्ली का भी। दिल्ली से हमारे सहयोगी आयुष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष देखिए, अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI काफी गंभीर श्रेणी में जा चुका है, 400 पार भी दर्ज किया गया है, 300 पार भी दर्ज किया गया है, हॉटस्पॉट कई इलाकों को बनाया गया है दिल्ली में। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि नियम इतने सारे लागू किए गए हैं, उनका धरातल पर कोई असर नजर क्यों नहीं आ रहा है? बिल्कुल पिंकी, देखिए सबसे पहले ये समझना होगा कि दिल्ली में जो प्रदूषण है वो किस वजह से है, क्योंकि आपने जैसे बात की कि नियम बहुत सारे लागू किए गए, उन नियमों का असर धरातल पर क्यों नहीं हो रहा है। देखिए दिल्ली में इस वक्त जो प्रदूषण है उसमें PM2.5 पार्टिकल्स की मात्रा सर्वाधिक है, यानी ये वो प्रदूषण है जो गाड़ियों से निकलने वाले धुओं से होता है, और खासतौर पर वो गाड़ियां जिनका पॉल्यूशन एक्सपायर हो चुका है, जो ज्यादा धुआं देती है, और हैवी डीजल व्हीकल यानी भारी डीजल वाहन जो PM2.5 पार्टिकल्स को सबसे ज्यादा हवा में रिलीज करते हैं। जो अभी तक नियम बनाए गए हैं, जिन जिन चीजों पर रोक लगाई गई है, उसमें कहीं पर भी वाहनों पर रोक लगाने की बात नहीं की गई। देखिए जेनसेट पर रोक लगाने की बात की गई, और जो खुले में ईंधन जलाया जाता था, बायोगैस जलाई जाती थी, फैक्ट्रीज पर जो चिमनीज होती थी इन पर रोक लगाने की बात की गई है। हालांकि पार्किंग फीस जरूर बढ़ाई गई थी, लेकिन जब हम पार्किंग संचालक से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति 30-35 लाख की गाड़ी में आ रहा है वो पार्किंग के 10-20 रुपए के लिए अपना जो आराम है उसको कम नहीं करेगा। तो ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है इसका मुख्य कारण दिल्ली में चलने वाले वाहन है और गाड़ियां हैं। तो जो ये ग्रैप लगाया गया इसका वाहनों पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वाहनों पर कोई असर नहीं हुआ तो प्रदूषण कम नहीं हुआ। जैसे जैसे दिवाली आ रही है वैसे ही प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में कुछ हॉटस्पॉट बन गए हैं, फिर चाहे वो बवाना हो, नरेला हो या आनंद विहार हो, ये वो दिल्ली के बॉर्डर्स है जहां पर प्रदूषण सर्वाधिक रहा है। फिलहाल क्योंकि हम केंद्र दिल्ली में मौजूद है तो यहाँ की बात करते हैं। देखिए केंद्र दिल्ली में फिलहाल प्रदूषण का स्तर कम है, क्योंकि मंगलवार रात को जो हवाएं चली थी उसके बाद से काफी आराम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आमतौर पर जब हम सुबह यहाँ पर आया करते थे, ग्राउंड पर आते थे और प्रदूषण के बारे में अपने दर्शकों को जानकारी देते थे तो हमारे भी गले में खराश होने लगती थी, हमारे भी आंखों में जलन होने लगती थी, लेकिन आज जब बुधवार की सुबह हम यहाँ पर पहुंचे हैं और जो तेज धूप निकली हुई है उसके बाद से ये जो प्रदूषण का स्तर है ये कम है। इमारतें जैसे महेंद्र ने बताया कि साफ नजर आ रही है, जो पेड़ों पर धूल जमी होती थी वो कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये कुदरत का एक गिफ्ट, जिसे जैसे बता रहे थे हमारे सहयोगी की, एक ही गिफ्ट हो सकता है कुदरत का दिवाली पर। लेकिन देखिए समझना ये जरूरी होगा कि दिवाली को लेकर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। जब कुछ एक्सपर्ट्स से हमने बात की थी तो उन्होंने ये बताया है कि अगर इस बार दिवाली पर पिछले साल की तरह ही पटाखे फोड़े जाते हैं तो जो प्रदूषण का स्तर है वो गंभीर से बहुत गंभीर यानी चिंताजनक की श्रेणी में जा सकता है, और लोगों को एक बार फिर से सांस लेने की समस्या जैसी बीमारी। बिल्कुल आयुष, इसी के बीच अगर बात करें तो दिल्ली का जो सोनिया विहार इलाका है वहां पर AQI 433 तक पहुंच चुका है, 433 AQI दर्ज किया गया है सोनिया विहार में। जी बिल्कुल, सोनिया विहार की आपने बात की कि सोनिया विहार में जो AQI दर्ज किया गया 433 दर्ज किया